के लिए कुछ करना शुरू ना कर दो तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है अगर आप इस टाइप की पर्सनैलिटी है तो आप इस बायो को अपने बायो में यूज कर सकते हैं बायो नंबर टू बी गुड डू गुड लुक गुड का मतलब ये होता है इस बायो का मतलब ये होता है कि अच्छे रहो अच्छा करो और अच्छे दिखो इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है आप इसे यूज़ कर सकते हो बहुत ही कूल काइंड ऑफ बायो है बायो नंबर थ्री ग्रो थ्रू वट यू गो थ्रू गाय इस बायो का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से तुम सफर कर रहे हो जिस चीज़ पे तुम जो चीज़ तुम्हारे पे बीत रही है उसी को देख देख के तुम उससे उठो उससे ग्रो करो गाय समझ रो मैं क्या कहना चाह रही हूँ इंग्लिश में बहुत ही अमेजिंग लगता है सुनने में बायो बायोनिंग भी बहुत खास है नंबर फाइव जज मी वैन यू आर परफेक्ट गाइज इस बाय को मतलब ये होता है कि मुझे तब जज करना जब तुम खुद परफेक्ट हो अगर तुम परफेक्ट नहीं हो तो मुझे जज करना छोड़ दो या आप इसे अपने बायो में यूज़ कर सकते हैं फाइव बी अ वॉइस नॉट एन ईको गाइस इस बायो का मतलब ये होता है कि एक आवाज़ बनो एक बुलंद आवाज़ बनो एक गूंज मत बनो जो मतलब सुनाई ना दे जो गूंज ऐसी हो यू नो वट इज़ मीनिंग ऑफ इको जो साउंड अजीब से लाइक आई डोट नो आई कैट एक्सप्लेन राइट नाउ बट यू नो आई होप सो यू नो वट इज मीनिंग ऑफ इको सो so, मैं वही कह रही हूँ कि आवाज़ बनो जो लोगों को सुनाई दे लोगों के कानों तक जाए दो तो लोगों के दिलो दिमाग तक जाए तो गाइज़ आज इस वीडियो में बस इतना ही मुझे उम्मीद है आपको पाँचों एटीट्यूड बायो ऑडियस समझ आ गए होंगे आपको अच्छे लगे होंगे अगर ये वीडियो आपको एंड तक देखने के बाद अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर बताएं दोस्तों तक जरूर शेयर करें और गाइज ऐसी और वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो को साथ होता के लिए आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें